चापा पुलिस ने देह व्यापार में संलिप्त तीन महिलाओं समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। पांचों आरोपियों के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नगर के तहसील रोड जगदल्ला के पास एक महिला द्वारा बाहर से लड़की और लड़के बुलवाकर रुपए लेकर अपने मकान में देह व्यापार किया जाता है। मुखबिर ने यह भी बताया कि बाहर से दो लड़के और दो महिला बुलवाकर उसे अपने घर में कमरा उपलब्ध कराकर देह व्यापार किया जा रहा है। पुलिस की टीम ने ठिकाने पर दबिश दी, तब सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। संदिग्ध अवस्था में अलग अलग कमरों में दो महिला और दो पुरुष मिले। पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला समेत पांचों के खिलाफ पीटा एक्ट की कार्रवाई की। दिनांक 6/2018 को मुखबिर से सूचना मिली कि तहसील रोड जगदल्ला के पास निवास करने वाली घसनी बाई अपने घर पर अवैध देह व्यापार का संचालन कर रही है, जिसकी सूचना पर श्रीमती नीतू कुमार मैडम पुलिस अधीक्षक मैडम से सूचना दी गई, जिनके मार्गदर्शन में SDOP चापा श्री उदयन बेहार जी द्वारा एक टीम तैयार की गई, जिसमें विशेष टीम जांजगीर से और थाना चापा की टीम एकत्रित होकर घसनीम बाई के घर पर रेड किया गया, जिसमें घसनीम बाई के घर में दो पुरुष और दो महिला आपत्तिजनक स्थिति में मिले, जिनके पास से आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ, जिसको पुलिस द्वारा जब्त कर पुलिस कब्जे लिया गया। पुलिस कब्जे लेने के पश्चात उनका कृत्य जो है अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 3, 4, 5 के अंतर्गत पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय भेजा गया।